हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देसी कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए, आज की क्लास है ये छोटी सी, और आज की क्लास में जो सेंटेंसेज हैं ये सारे सेंटेंस प्रपोजिशन से रिलेटेड हैं। तो अपनी क्लास में हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जितने भी सेंटेंस हैं जो, उनमें आप अपना टोटल स्कोर लास्ट में ज़रूर बताना कि आज की क्लास का टोटल स्कोर आपका कितना हुआ। वैसे तो बहुत ही सिंपल सारे सेंटेंस हैं ये, तो आप लोग आसानी से सेंटेंस के आंसर बता देंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, आई फाउंड इट डिफिकल्ट क्रॉस द रोड। आई फाउंड इट डिफिकल्ट डैश क्रॉस द रोड। आपको बताना है प्रपोजिशन टू, थ्रू, अबाउट या फिर बियॉन्ड, कौन सा करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर वन में। तो सेंटेंस वन की बात करें तो आई फाउंड इट डिफिकल्ट, यह आपका एक क्लॉज हो गया। यहाँ पर क्रॉस लगी है आपकी वर्ब, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे टू इन्फिनेटिव, है ना। वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, टू। इन्फिनेटिव का यूज करेंगे और टू प्रपोजिशन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा सेंटेंस नंबर वन में। नेक्स्ट है सेंटेंस टू, द बॉय लाइक्स टू प्ले, यानी लड़का पसंद करता है खेलना, ठीक है। इट्स टॉयज, तो अच्छा यहाँ पर ये इट्स नहीं होगा, बॉय है तो यहाँ पर हिज होगा, ठीक है। ऐसे यदि यहाँ पर बेबी लिखा होता तो फिर वहाँ पर हम इट्स प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते थे। तो प्रपोजिशन देखेंगे, ऑफ, अबाउट, टू या फिर विद, कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पर करेक्ट होगा सेंटेंस नंबर टू में। तो सेंटेंस नंबर टू में आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है, जब भी हम किसी वस्तु से कोई कार्य करते हैं तो उसके साथ जो प्रपोजिशन प्रयोग होता है वो किया जाता है प्रपोजिशन विद। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर टू में प्रपोजिशन विद। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस नंबर है थ्री। सेंटेंस थ्री में है कि प्लीज डोंट गिव एन एग्जाम्पल इम्पर्टेंट डैश द केस। अब यहाँ पर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो पहले तो हम यहाँ पर ये जो इम्पर्टेंट लगा हुआ है ना, इसको समझिए, इसका मतलब होता है इन अप्रोप्रिएट, ठीक है। कोई चीज अनुचित है, इन अप्रोप्रिएट है, ठीक नहीं है वो। तो प्रपोजिशन ऑफ, ऑन, टू या फिर विद, क्या होगा करेक्ट आंसर सेंटेंस थ्री में। तो इम्पर्टेंट के बाद मैं बताऊं तो ये प्रपोजिशन आपका यूज होता है टू, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। क्या है ये, फिक्स्ड प्रपोजिशन। और कई बार एग्जाम में जो प्रपोजिशन पूछे जाते हैं वो फिक्स्ड प्रपोजिशन ही आपके पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस फोर, कि सम पीपल आर अकस्टम्ड। अकस्टम्ड मतलब होता है आदि होना, आदि होना, यानी कि हैबिचुएटेड, ठीक है। तो अकस्टम्ड के बाद एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, वो देखेंगे। किस चीज के आदि होते हैं, टेकिंग कॉफी देयर मील्स, यानी अपने भोजन के साथ कॉफी लेने के आदि होते हैं। कौन सा प्रपोजिशन करेक्ट होगा, तो अकस्टम्ड टेक्स प्रपोजिशन टू। ठीक उसी तरह हैबिचुएटेड के बाद भी टू का प्रयोग किया जाता है। इसका एक सिमिलर वर्ड और है एडिक्ट, एडिक्टेड के बाद भी प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। तीनों के साथ प्रपोजिशन टू आता है और ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है आपका, ठीक। अब है आपको बताना है टेकिंग कॉफी देयर मील्स के साथ, अब कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो विद, यानी भोजन के साथ कॉफी लेना, लेने के कुछ लोग आदि होते हैं, हैबिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस फाइव, और सेंटेंस फाइव में क्या है आपका, यस, सेंटेंस फाइव है कि द सोल्जर जंप्ड अटेंशन व्हेन ऑफिसर बेंट बाय, यानी कि सोल्जर ने क्या किया, अटेंशन को जंप, जंप के बाद यहां पर फिक्स्ड बनेगा प्रपोजिशन, व्हेन द ऑफिसर बेंट बाय, यानी जब ऑफिसर वहां से निकला था। तो ऑन, फोर, टू या फिर इन, वैसे तो जंप का मतलब क्या होता है, कूदना होता है,
लेकिन जब इसको हम एक फ्रेजल वर्ब बनाएंगे ना तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा राइट आंसर? तो जंप के बाद यहां पर प्रपोजिशन होगा टू। जंप टू अटेंशन होता है, जंप टू अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना। तो राइट आंसर सेंटेंस थ्री का, सेंटेंस फाइव का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेंटेंस सिक्स, ही पुट्स टॉयज द स्टॉकिंग्स ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन नाइट क्रिसमस। तीन जगह पर प्रपोजिशन फिल करना है कि क्या क्या प्रपोजिशन यूज होंगे। तो सबसे पहले देखें तो यहां पर आपका स्टॉकिंग्स है, उसमें से निकालेगा, किसी चीज के अंदर से निकाल रहा है, प्रपोजिशन क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, इनका प्रयोग हुआ। फिर आ जाओ नाइट, नाइट से पहले आप क्या प्रपोजिशन यूज करते हो? एट। एट नाइट भी होता है लेकिन इन द नाइट भी होता है। इन द नाइट का मतलब हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात करेंगे, और एट नाइट इन जनरल यानी सामान्य जो जनरल बात होती है उसके साथ एट, लेकिन कोई भी आपको आर्टिकल यूज यहाँ पर नहीं करना होता है, एट प्रपोजिशन आता है। अब आता है क्रिसमस। क्रिसमस का क्या होता है? डे। क्रिसमस का क्या होता है? डे। और डे से पहले कौन सा प्रपोजिशन आता है? तो डे से पहले प्रपोजिशन आपका यूज होता है ऑन। तो इन, एट, ऑन, तीनों प्रपोजिशन यूज हो रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका सेंटेंस सिक्स का। नेक्स्ट है सेंटेंस सेवन। सेंटेंस सेवन में है कि यहां पर वी कैन नॉट कंसीव अ टाइम व्हेन वी वर्क विदाउट टेलीविजन, यानी जब भी हम बिना टेलीविजन के होते थे तो हम ऐसे समय को क्या नहीं कर सकते, कंसीव नहीं कर सकते। कंसीव का मतलब होता है विचार करना, विचार करना, इमेजिन करना। तो हम ये विचार भी नहीं कर सकते उस समय का जब टेलीविजन के बिना होते थे हम लोग वो। करेक्ट आंसर। तो देखो ये आपका यहाँ पर बनेगा फिक्स्ड प्रपोजिशन, और फिक्स्ड प्रपोजिशन का मतलब है कि आपको कंसीव के बाद प्रपोजिशन कौन सा यूज होना है वो याद कर लो, रट लो, कहीं भी लिखा मिले इसके बाद प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग कर देना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस एट कि वी आर अकाउंटेबल अवर सोसाइटी अवर एक्शन, यानी कि हम अकाउंटेबल हैं, हम जिम्मेदार हैं किसके? अपने समाज के, अपने कार्यों के। ठीक, दो जगह यूज करना, अबाउट फोर, फोर अबाउट, या टू फोर, या फिर फोर टू। तो यहां पर भी फिक्स्ड प्रपोजिशन आना है। तो क्या होना है राइट आंसर? अकाउंटेबल के बाद प्रपोजिशन यूज होता है आपका टू। अकाउंटेबल टेक्स प्रपोजिशन टू। ठीक, और यहां पर यूज होगा आपका फोर, सोसाइटी फोर आवर एक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस एट में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेंटेंस नाइन। सेंटेंस नाइन में है कि एन इंग्लिश मैन कन्वर्स्ड अस वेरियस सब्जेक्ट वेरिड इंटरेस्ट। तीन जगह पर फिल करना है। कन्वर्स्ड मतलब बातचीत करना, यानी एक इंग्लिश मैन ने हमसे बातचीत की, कन्वर्सेशन किया, किस पर? वेरियस सब्जेक्ट पर, वेरियस वेरिड इंटरेस्ट। क्लियर? तो यहां भी आपको बताना है राइट आंसर। कन्वर्स्ड किसके साथ किया? व्यक्ति के साथ। तो कन्वर्सेशन विद समबडी होता है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? प्रपोजिशन विद। किस पर किया? बहुत सारे सब्जेक्ट पर, ऑन ए टॉपिक होता है तो ऑन प्रपोजिशन यहां आ जाएगा, ऑन वेरियस सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या यूज होना है? ऑफ वेरिड इंटरेस्ट। तो तीनों प्रपोजिशन में राइट, ये ऑप्शन कौन सा राइट होगा? विद, ऑन, ऑफ। विद, ऑन, ऑफ प्रपोजिशन यहां पर यूज होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर टेन कि ही इज इंडेप्टेड मी अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। इंडेप्ट मतलब कर्ज लेना। ठीक, ही इज इंडेप्टेड टू इंडे। अब इंडेप्टेड के बाद भी फिक्स्ड प्रपोजिशन आना है, तो ऐसे रट लो, इसके बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ही इज इंडेप्टेड टू मी किसके लिए? फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे के लिए।
करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 2 एंड 4, ऑप्शन ए सेंटेंस 9 में होगा करेक्ट। ओके नेक्स्ट आ रही है सेंटेंस, चलिए नेक्स्ट नहीं है तो आप लोगों को बताना है कि 10 सेंटेंस में टोटल स्कोर आज की क्लास में आपका कितना हुआ है और कौन से यहाँ पर ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको आज यहाँ पर नए मिले हैं। तो मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, जो भी आप लोगों के डाउट्स हों कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हो। और अभी तक नए हो इंग्लिश इस चैनल पर तो हमारे चैनल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको ये अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।